जनपद संभल में भारतीय किसान यूनियन डिकैत का सदस्यता अभियान के तहत किसानों की जीत के स्वागत चल रहे कार्यक्रमों के क्रम में आज रजपुरा ब्लॉक में पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इसी क्रम में प्रदेश प्रमुख महासचिव विजेंद्र सिंह यादव और जिला अध्यक्ष शंकर सिंह यादव का कार्यकर्ताओं द्वारा नोटों के हार व फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। किसानों की जीत के बाद किसानों की भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रति निष्ठा बढ़ गई है। बैठक में 3 जनवरी को जिला मुख्यालय पर होने वाले ऐतिहासिक आंदोलन की तैयारियों की समीक्षा की गई और आंदोलन को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। प्रदेश प्रमुख महासचिव विजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि 21 दिसंबर को जिला अधिकारी संभल को चकबंदी विभाग की लापरवाही और स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर और आवारा पशु बिजली विभाग द्वारा किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज सहित कई मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसीलिए अनिश्चितकालीन आंदोलन का निर्णय लिया गया है। जिला अध्यक्ष शंकर सिंह यादव ने कहा कि जिला मुख्यालय पर होने वाले ऐतिहासिक आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरे जिले भर में तैयारियां जोरों जोरों से चल रही हैं। किसान अपने ट्रैक्टरों पर तंबू लगाकर भारी संख्या में जिला मुख्यालय बहजोई पहुंचेगा। नेताजी, आपका रजपुरा ब्लॉक पर क्या कार्यक्रम रहा है आज का? आज हमारी समीक्षा बैठक थी 3 जनवरी को। हमारे जनपद संभल के जिला मुख्यालय बहजोई में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। प्रशासन को हमने 10 दिन पहले ज्ञापन दिया था, लेकिन प्रशासन ने हड़तमत दिखाई, हमसे कोई चर्चा भी नहीं की, ना उस पर कोई संज्ञान लिया है। 3 जनवरी की तैयारी थी, उसमें कई मांगे हैं। एक तो स्वास्थ्य विभाग में पूरे जनपद में व्याप्त भ्रष्टाचार है, हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। चकबंदी में किसानों का शोषण है, बिजली में किसानों का शोषण है, आवारा पशु ने किसानों का जीना हराम कर दिया। इन सब बातों को लेकर 3 तारीख को जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसकी तैयारियों की समीक्षा की गई थी और आज बहुत अच्छी समीक्षा हुई है और रजपुरा ब्लॉक से बहुत भारी संख्या में किसान जनपद संभल के जिला मुख्यालय बैजुली के 3 तारीख में कूच करेंगे।